करगिल विजय के उपलक्ष्य में। करगिल विजय क्या है, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू हुआ? आपने सुना, सभी टीचर्स ने आपको बताया, जगदीप मैम ने आपको बताया, बच्चों ने आपको बताया। करगिल विजय के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। करगिल विजय जो है ये एक ऐसी जंग थी जो दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी सबसे बड़ी जंग थी, जो इतनी लंबी चली, सबसे ज्यादा गोला बारूद जो है इस्तेमाल किया गया। क्या हुआ, बैठ जाओ आप। 3 मई की बात है, गर्मियों की बात है, ये यहां पे बहुत सारी गर्मियां, गर्मियों का मौसम होता है। 3 मई 1999 में पाकिस्तान सियाचिन का बदला लेना चाहता था। पाकिस्तान 1 साल से तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि मैं करगिल युद्ध करके करगिल की पहाड़ियों के ऊपर राज करूं और इंडियन टेरिटरी को अपने में कब्जे में कर लूं। तो उसने कहा कि हर जगह जो है इंडिया की फौज जो है वो पहाड़ियों के ऊपर भी रहती है, ऐसा कौन सा टाइम जो है वो देखा जाए जिससे कि इंडिया की फौज वहां से उतर जाए। तो उसने देखा कि मई जून के महीने में बहुत बर्फ पड़ती है, लेह लद्दाख में इतनी बर्फ पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे वहां पे कोई सफेद समुंदर है। तो पाकिस्तान ने 1 साल तैयारी की और अपने फौजियों को कहा कि आप मिलिटेंट्स की यूनिफॉर्म पहन लो। तो सारे फौजी जो थे वो पठानियों की ड्रेस में, 500 से भी ज्यादा पाकिस्तानी फौजी पठानियों की ड्रेस में करगिल की पहाड़ियों पर गए। अब करगिल कौन सी जगह है, जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में बटा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख की कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 हैं, ले और करगिल। करगिल ले और करगिल, करगिल में बहुत सारा ऐसे ऐसे पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, द्रास, बाल्टिक, इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी चोटियों में से उनका नाम जाना जाता है। इंडिया की फौज क्या करती है, जब भी मई महीने में वहां पे बर्फ पड़ती है तो वो क्या करती है, अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठा के अपने बंकर खाली करके नीचे आ जाती है और कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, पैदल चलना पड़ता है 3 दिनों तक। फिर वो नीचे आते हैं और देखते हैं कि जब बर्फ पिघल जाएगी फिर हम फिर ऊपर जाएंगे उन पहाड़ों के ऊपर, अपने अपने मोर्चे संभालेंगे। तो पाकिस्तान ने सोचा ये सबसे अच्छा समय है जब इंडिया की फौज नीचे जाएगी बर्फ का सहारा लेके, हम जो है वहां पे अपने अपने बंकर और पोस्टें बना लेंगे। तो पाकिस्तान ने चोरी चोरी LOC क्रॉस की और 500 से भी ज्यादा पाकिस्तानी जो है फौजी पठानियों की ड्रेस में करगिल की पहाड़ियों के ऊपर, द्रास, बाल्टिक, ऐसी ये पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के ऊपर जो है ऊपर चोटी के ऊपर जो है वो अपना डेरा जमाकर बैठ गए। इंडिया को पता भी नहीं चला, उन्होंने अपने बंकर बनाना शुरू कर दिए। अब इंडियन फौज को कैसे पता चला, क्या हुआ, एक द्रास का रहने वाला एक चरवाहा होता है जो भेड़ बकरियां चारता है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जंगली गाय भेड़ बकरी वो चरा रहा था। चराते 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 वो ऊपर पहुंच गया और उसने देखा मेरी एक याक जो है, जंगली बैल जो है, मेरी गाय जो है वो मिल नहीं रही है, मेरी भेड़े जो है वो कहीं आगे पीछे हो गई है। तो वो उनको ढूंढता वहां पे चला गया ऊंची चोटी के ऊपर जहां पे पाकिस्तानी फौजी जो है उग्रवादियों की ड्रेस में बैठे हुए थे। जब उसने देखा कि यहाँ पे तो आर्मी होती है, इंडियन आर्मी होती है, ये काले काले कपड़े पहन के ये कौन लोग आ गए हैं, वो जल्दी से नीचे उतरा, उसने अपनी भेड़ बकरियों को वहीं पे छोड़ा और भागा भागा चोरी चोरी नीचे पहुंचा। उसको बहुत सांस चढ़ी हुई थी, हाफ रहा था। जब वो इंडियन आर्मी के बेस कैंप पे पहुंचा तो फौजी ने पूछा क्या हुआ, ताशी क्या हुआ, उसका नाम ताशी था। ताशी ने कहा साहब वहां पे ऊपर। उसने कहा क्या ऊपर, दूर ऊपर। उसने कहा बता जल्दी क्या हुआ,
उसने कहा ऊपर पाकिस्तानी फौजी है, मिलिटेंट है, वहां पे वो क्या कर रहे हैं? वो वहां पे बंकर बना रहे हैं, वहां पे चौकी बना रहे हैं। और देखते देखते कुछ दिनों में 132 से भी ज्यादा चौकियां जो है वो उन मिलिटेंट्स ने बना ली। इंडियन फोर्स ने कहा कि ये बात अपने तक ही रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर में डालने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा ठीक है ताशी, हम जो है थोड़ी सी प्लानिंग बनाते हैं, अपने 5 आदमियों को भेजते हैं। तो 5 तारीख को, 3 तारीख को पता चला, 5 जून को आर्मी ने कहा कि अपने 5 बंदे जाएंगे और बॉर्डर पेट्रोलिंग करेंगे। बॉर्डर पेट्रोलिंग पार्टी होती है जो बॉर्डर की निगरानी करती है, और 5 आदमियों की टोली जाती है ऊपर, 2-3 दिन लगाती है ऊपर चढ़ने में, वहां पे जाके चेक करने जाती है। तो मिलिटेंट को पता चल जाता है, क्यों? जो कुछ भी नीचे हो रहा है, इंडियन आर्मी क्या कर रही है, क्या सोच रही है, सारा वो ऊपर चढ़कर देख रहे थे। वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़कर सारा उनको दिखाई दे रहा होता है नीचे क्या हो रहा है। इतनी ऊंची जगह पर वो बैठे हुए थे, नीचे उनको कीड़े मकोड़े लग रहे थे इंडियन आर्मी वाले। तो जैसे ही वो 5 फौजी पेट्रोलिंग करते हुए देखते हुए ऊपर जाते हैं, तो उनको मिलिटेंट्स पकड़ लेते हैं और उनको पकड़कर उनकी गर्दनें काट देते हैं। इंडियन आर्मी वाले सोचते हैं हमारे आदमी गए थे, अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे, क्या हो गया, इतने दिन हो गए, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, ना कोई फोन की कनेक्टिविटी, ना कोई सूचना, ना कोई समाचार। फिर आर्मी ने कहा पक्का कोई वहां पे हरकत हो रही है। उन्होंने एक प्लान बनाया, हम हवाई जहाज से अपने फौजियों को भेजते हैं, एक हेलीकॉप्टर भेजा, बीच में 5 आदमी बिठाए, 5 फौजी जवान उनको जो है बिठाए, 5 फौजी हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं पता करने के लिए हमारे जो लोग गए थे पेट्रोलिंग करने के लिए वो वापस क्यों नहीं आए। जब वो जाते हैं तो उनके जहाज को भी उग्रवादियों को पता चल जाता है कि नीचे से कोई आ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना ऐसे, तो ऊपर से उनको पता चलता है, वो बम फेंकते हैं, वहीं पे उनको मार देते हैं, उनका भी कोई सुराग पता नहीं चलता। कई दिन ऐसे निकल जाते हैं, आर्मी वाले फिर परेशान हो जाते हैं, हमारे जो है फौजी जहाज लेकर गए थे वो अभी तक नहीं आए, ये क्या हो रहा है, जो भी जाता है वापिस नहीं आता, ऐसा कौन सा वहां पे कोई भूत बैठा है जंगल में कि खा जाता है उनको, कोई नामो निशान का पता नहीं चलता। फिर इंडियन आर्मी कहती है इसका भी पता हम हिंदुस्तान की मीडिया में नहीं देंगे, हम फिर कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे जो है हमें पता चल सके कि ऊपर कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया, ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद मैंने व्हाइट, क्यों? क्योंकि द्रास और करगिल की पहाड़ियों के ऊपर इतनी बर्फ थी, पता नहीं चल रहा था कौन कहां पे बैठा है, पूरा समुद्र लग रहा था सफेद समुद्र, पेड़ों के ऊपर भी बर्फ जो है वो जमी हुई थी। और उन्होंने अपने 2 मिग हवाई जो लड़ाकू जहाज होते हैं, MiG-27 और MiG-29, उनको कहा फौजियों को कि आप जो है इन जहाजों के ऊपर बैठो और जो है ऊपर जाओ, देखो क्या हो रहा है, कौन वहां पे आए हुए हैं जो हमारे फौजियों को मारते जा रहे हैं। जब MiG-27 और MiG-29 ऊपर जाते हैं देखते हुए, तो एक जो जहाज है MiG-29 जो है वहीं पे खत्म हो जाता है। मिलिटेंट्स को पता चल जाता है कि इनके लड़ाकू जहाज आ रहे हैं, वो वहीं से जो है वो मिलिटेंट्स ने कई ऑटोमेटिक वेपन्स, हथगोले, बारूद, इतना असला वहां पे इकट्ठा करके रखा था, साल की तैयारी में लगे हुए थे, उन्होंने सब कुछ अपने पास इकट्ठा करके रख लिया था। और जब भी कोई इंडियन आर्मी से ऊपर जाता उनको वहीं से ग्रम बम फेंकते और मार देते। एक MiG-29 जो है वो खत्म हो जाता है, MiG-27 जो है वो बच जाता है, क्रैश हो जाता है, उसमें बैठा हुआ था ग्रुप कमांडर नचिकेता बच जाता है, लेकिन उसको मिलिटेंट्स पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के पाकिस्तान ले जाते हैं। उनको बहुत मारा जाता है, बहुत यातनाएं दी जाती हैं, उसको कहा जाता है कि नीचे कितने आदमी हैं, उसको पूछा जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और पाकिस्तान की आर्मी उसको कैद में कर लेती है। इंडियन आर्मी नीचे बैठी हुई है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, अब क्या करें। तो इंडियन आर्मी ने कहा अब हमें हिंदुस्तान को बता देना चाहिए, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में बता देना चाहिए कि ऊपर जो है ऐसा कुछ हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो 5 जून को पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में ये खबर आ जाती है कि हमारा 150 सैनिक, 150 फौजी शहीद हो गया है, हमारा 150 फौजी शहीद हो रहा है।
पाकिस्तान का एक भी उग्रवादी नहीं मरा अभी तक। हमारा 150 से ज्यादा शहीद हो गए ये पता करने के लिए कि ऊपर क्या हो रहा है। पूरे दुनिया पूरे देश को पता चल गया, सभी हैरान हो गए ये कब से हो रहा था। फिर ऑपरेशन विजय शुरू होता है 6 तारीख से, 6 मई से।